हम सूजी का केक बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है और 3/4 कप जो है मैंने चीनी ली है। दोनों को ही मैंने बारीक पीस लिया है। आधा कप मैंने दूध लिया है, दूध को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया। और 1/4 कप जो है मैंने ऑयल लिया है। आधा कप जो है मैंने दही लिए, ये थोड़े से मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये वेनिला एसेंस है, 1 चम्मच मैं इसका यूज़ करूँगी। और ये जो है मेरा बेकिंग पाउडर है 1/2 चम्मच, ये चुटकी भर नमक है और 1/8 स्पून जो है मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना केक। अब सबसे पहले मैं इसमें दही डालूंगी। दही को हम अच्छे से फेंटेंगे। हमें जब भी जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं हमें सबको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, ये याद रखेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके और उसे छान भी लेंगे हम। अब मैं बाकी बची हुई चीनी भी डाल लूंगी। दोनों ही चीजें अब हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी धीरे धीरे। ऑयल को हमने इतने अच्छे से मिक्स कर देना है, जैसे अभी तो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर पड़ा हुआ, तो इस तरह से नहीं दिखना चाहिए। ऑयल बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए, इतना हमें फेंटना है इसको कि बिल्कुल ये एक स्मूथ सा बैटर लगे। देखिए ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो गया, हमें अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, हमें इस तरह से फेंटना। अब मैं इसके अंदर धीरे धीरे करके जो है सूजी डालूंगी छान कर, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे सूजी भी हम। अब मैं बाकी बची हुई सूजी भी डाल दूंगी। देखिए अब हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। आप देख रहे होंगे बैटर जो है काफ़ी थिक हो गया, तो मैं इसके अंदर हल्का सा दूध डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे जितना हमें चाहिए, क्योंकि जो सूजी है वो दूध को, सूजी जो है सेट होने में टाइम लगाती है, तो जो है अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, फिर हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे बैटर को। थोड़ा सा मैं और डालूंगी दूध। अब हमारा ये बैटर जो है ये रेडी हो गया, तो अब मैं इसको लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। इसको जो है आज ओटीजी में बनाऊंगी, तो 15 मिनट के बाद जो है मैं ओटीजी को ऑन कर दूंगी और फिर आधे घंटे के बाद हम इसको जो है आधे घंटे के बाद जो है हम अपने बैटर को चेक करके एक बार फिर से थोड़ा सा इसको बीट करके जो है ओटीजी के अंदर रखेंगे और इसे बनने के लिए छोड़ देंगे।
आज मैं सूजी का केक जो है ओटीजी के अंदर बनाऊंगी। मेरा ब्लू पंक का ओटीजी है, इसके अंदर दो नॉब्स हैं, एक जो है प्रोसीजर सेट करने के लिए बेकिंग का और दूसरा जो है टेम्परेचर का। तो सबसे पहले जो है मैं इसका टेम्परेचर जो है मैं इसको 180 डिग्री पर बनाऊंगी। तो मैं इसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेट करने जा रही हूँ और अब जो है मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूंगी। अब हमें इससे 15 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट करना है, उसके बाद जो है मैं इसमें केक का बैटर रखूंगी। आधा घंटा हो चुका है, अब मैं बैटर को खोलकर देखूंगी। बैटर जो है हमारा थिक हो गया। पहले जो है मैं ये सब ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक इसके अंदर डालूंगी। हल्का से इसको चला दूंगी मैं। अब मैं इसके अंदर लगभग एक चम्मच के करीब जो है वेनिला एसेंस डालूंगी। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप देख रहे हैं बैटर हमारा थिक हो गया। तो मैंने जो दूध लिया था हमारा बच गया था, उसी दूध को मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें और ऐड करूंगी। अभी भी हमारा बैटर जो है थिक है, तो मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूंगी। देखिए अब हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो गई है हमारे बैटर की। अब मैं टिन लूंगी जिसके अंदर मैंने बनाना। इसके लिए टिन में ये वाला यूज कर रही हूँ, ग्लास का। इसको जो है मैं थोड़ा सा घी से इसकी ग्रीसिंग कर दूंगी। और थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर दूंगी। और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैं इनको ऊपर से इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब हमारा जो है बैटर रेडी है, अब मैं इसको ओटीजी में शिफ्ट करूंगी। ओटीजी को खोल लेंगे और इस तरह से मैं इसे रख दूंगी और आधे घंटे के बाद मैं जो है इसे चेक करूंगी। 25 मिनट हो चुके हैं, अब मैं एक बार इसको खोल के चेक करूंगी। हम इसमें इस टूथपिक को डालकर देखेंगे। हल्का सा इसको अभी लगा है बैटर, हम 5 मिनट इसे और पकने देंगे और फिर जो है हम इसे निकाल लेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, अब जो है मैं माइक्रोवेव को ऑफ कर दूंगी और केक को मैं निकाल लूंगी। केक हमारा बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको ठंडा होने पर डीमोल्ड करूंगी। केक ठंडा हो गया, अब मैं इसको डीमोल्ड करूंगी। देखिए केक हमारा बनकर रेडी हो गया, अब मैं इसे कट करूंगी। देखिए कितनी जाली है इसमें और किस तरह से देखिए दब रहा है, ये कितना स्पॉन्जी बना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने सूजी का केक बनाया है,
लास्ट टाइम मैंने आटे का केक बनाया था, वो भी हेल्दी था और ये केक भी काफ़ी हेल्दी और काफ़ी डिलीशियस है। मैं चाहूँगी कि आप मेरी रेसिपी को प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।